Early morning love, she get it good from she rise, but put it on so good. तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग में आप जो प्रीव्यू देखें, कुछ इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए आपको काइन मास्टर का जरूरत पड़ेगा और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और इस वीडियो में जो मटेरियल यूज़ होगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे प्रोजेक्ट फाइल को काइन मास्टर पर इनपुट कर लेना। ओके, अगर आपको इनपुट करना नहीं आता है तो मैं इसके लिए वीडियो बना दिया हूँ और लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो। ओके, तो अब आपको क्या करना है, कुछ दो उंगली से बड़ा कर लेना। ओके, तो ये मेरा बड़ा हो चुका। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको वाइट फ़ोटो देखने को मिल जाता है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये मीडिया का लोगो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो आप डाउनलोड किए हैं लिरिकल वीडियो, ठीक है, 12 सेकेंड का, इसको ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सही पे टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे ब्लैक फ़ोटो आ जाता है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मीडिया का लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करना है, आपको अपने फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, कर लेना है, ठीक है। आपको फिर से यहाँ से आपको सही पे टिक कर देना है। दूसरे फ़ोटो पर आएंगे, फिर आपको मीडिया का लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको लिरिकल सॉरी दूसरे फ़ोटो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सही पे टिक कर देना है। फिर सबको तीसरे फ़ोटो पे आएंगे, फिर से आपको मीडिया के लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको तीसरे फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। ओके, इस तरह से जितने ब्लैक फ़ोटो सभी ब्लैक फ़ोटो पे इस तरह से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, अपने फ़ोटो को। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं ये सभी ब्लैक फ़ोटो में मैंने अपने फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो आपका फ़ोटो आ जाता है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्लिक ग्राफी पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, इन एनिमेशन पे चले जाना है और यहाँ से आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 39 नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको सही पे टिक कर देना। फिर दूसरे फ़ोटो पर आएंगे, उसके बाद आपको क्लिक ग्राफी पे जाना है, फिर से आपको इन एनिमेशन पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको फिर से नीचे चले जाना है और ये आपको 49 नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सही पे टिक कर देना। फिर से आपको तीसरे फोटो पे आएंगे, उसके बाद क्लिक ग्राफी पे जाएंगे और यहाँ से आपको इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ से आपको जो 39 नंबर वाले इफेक्ट को ऐड किए थे फिर से आपको वही ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सही पे टिक कर देना। फिर से आपको चौथे नंबर वाले फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्लिक ग्राफी पे जाना है, फिर से आपको इन एनिमेशन पे चले जाना है और यहाँ से आपको 49 नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक फ़ोटो को आपको क्या बोलते हैं 39 नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 49 नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, तो देख सकती है ये सभी फ़ोटो में मैंने इफेक्ट लगा दिया हूँ, ठीक है। अब आपको इसको इफेक्ट को इसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक फ़ोटो को कोई उस पर टैप करेंगे, ठीक है, कोई फ़ोटो को आपको ऐसे टैप कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ग्राफी पे चले जाना है, ठीक है। और उसके बाद तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डाटा को ऑन कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो घर का लोगो दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। आपका जितना इंटरनेट फास्ट है उतना जल्दी ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, आपको यहाँ पे इधर देख सकते हो इन एनिमेशन, इसको क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये मेरा पहले से डाउनलोड था तो ये मेरा इंस्टॉल दिख रहा है, ठीक है। तो आपको डाउनलोड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ तक आपका फ़ोटो से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ चले आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसको तो आपको मीडिया पर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो PNG बर्थडे का PNG, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे और कुछ इस तरह से आपको बड़ा कर लेना। उसके बाद आपको नीचे पकड़ के ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ड्यूरेशन जो आपका
PNG है, बर्थडे का PNG जो आपका क्या करना है, आपको सबसे लास्ट तक ले आना है, ठीक है, जहाँ तक आपका फ़ोटो वहाँ तक आपको खींच के ले आना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये पूरी तरह से वीडियो बन चुका है, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव कर देना है, तो ये आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा, ठीक है।